टीवी पाकिस्तान मल्टीमीडिया प्रोडक्शन हाउस। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये ट्रैक पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो एपीटीवी पाकिस्तान की हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकती है। एपीटीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। मौजज़ा हजरत अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहि सलाम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाया के घर से सिगरेट सुलगा लो। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जा न दी। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई, इसलिए कि शायद अब की दफा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने को दे दे। मगर उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी और मेरा दिल कलेजी खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने को दे दे। मगर उसने मुझे कलेजी खाने को नहीं दी। बाबा जान, आप कल मेरे लिए कलेजी ज़रूर लाएं। लकड़हारे ने कहा कि बेटी, हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान, आप कल मेरे लिए कलेजी ज़रूर लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, दो दिन कुछ ना खाओ, दो दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रखाया। दूसरे दिन जब जंगल में गया, देखा जमाशुदा लकड़ियां न जाने कैसे जलकर राख हो चुकी थी। वो देखकर रोने लगा, रोते रोते गश कर गया। आलम ख्वाब में देखा नकाब पोश तशरीफ लाए और जमीन से चंद संग्रेजे उठाकर फरमाते हैं कि लो, जब इन्हें बुनाओ तो मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वही संग्रेजे उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर आकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है, वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान, अंदर आ जाइए। बाप ने कहा कि बेटी, मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई। बेटी ने कहा, बाबा जान, आप अंदर आ जाएं, खुदावंद आलम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला और वही संग्रेजे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में
फेंक दिए। अलल सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। वो डर कर बाहर आई, लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा कि कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं, इसलिए उन पर चादर डाल दी और कमरा मुकफ्फिल कर दिया। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा कि यह हीरा तुम ले लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेश कीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर भरकर ले जा सकते हो ले जाओ, यही इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गईं वो भरकर ले गया और वो जमीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा ने उसे संग्रेजे दिए। उसने वहां एक नहायत ही शानदार महल बनवाया और उसमें आराम और आसाइश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि अब मुझ पर हज वाजब हो गया, मैं हज करने जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाती रहना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ सात किस्म की मिठाई लाओ और उस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाएं। बेटी ने कहा कि अम्मा अब तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो गए, हम ये रंग रंग की मिठाई पर खत्म नहीं दिलाएंगे। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुसल कर रही थी कि ये कई अगुल हुआ कि हमाम को खाली कर दिया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुसल करने के लिए तशरीफ ला रही है। चुनाचा सब लोग चले गए लेकिन लकड़हारे की बेटी और बीवी न गई। उन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी स्ना में मलका और शहजादी तशरीफ ले आई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि उसके गले में एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा, यह हार तुमने कहाँ से लिया? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि अगर यह हार तुम्हें पसंद आ गया है तो तुम पहन लो, मैं घर जाकर दूसरा पहन लूं। शहजादी ने कहा कि अब हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने उसके घर गई। शहजादी गुसल कर रही थी, जब गुसल करके बाहर आई तो नुकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार लाओ। नुकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा, यह हार तुमने चोरी कर लिया है। नुकरानी ने कहा, आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, यह आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलाया गया। बादशाह ने लकड़हारे की बीवी और बेटी को बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि चोरी तो हमने उस वक्त भी न की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह न माना, दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दिया और उनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी। उधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज किए वापस लौट आया, आकर देखा महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा, मेरे अली खाना कहाँ है? लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, कहा कि चोरी तो उन्होंने उस वक्त भी न की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह न माना। लकड़हारे ने कहा कि अगर उनको कैद से रहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर ले, कि
क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहे और मैं घर में बैठूं। चुनाचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाकर पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाती रही हो? उन्होंने कहा नहीं। लकड़हारा बड़ा गजबनाक हुआ, कहा बस ये उसी कुताही की सजा है। गर्ज की तमाम रात रोते रहे और तौबा करते रहे। जब नींद आ गई, आलम ख्वाब में देखा नकाब पोज तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि तुम मेरी नजर देनी भूल गए थे, इसलिए तुम पर अताबे अलाही का नजूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा कि मेरे पास नजर देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। नकाब पोश फरमाते हैं अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, उनकी शरीनी मंगवाकर खत्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए, लेकर कैदखाने के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का घोड़े पे आता हुआ दिखाई दिया। उसे आवाज देकर कहा, ऐ लड़के, मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। उसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है फिर भी शरीनी खाता है, मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से सामान अरूस खरीदने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। ये कहकर अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ, वो जाए वकुआ की तरफ भागा। जब रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा तो लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा, क्यों ना मैं इस कैदी का काम कर जाऊं। चुनाचे उसे 5 पैसे की शरीनी ला कर दी, उस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया। और लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा कि इतने उजुर्दा क्यों हो? उसने कहा, मेरा जवान बेटा मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने उसको थोड़ी सी शरीनी देकर कहा कि इसको पानी में हल करके मैयत के मुंह में डाल देना। चुनाचे उस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा हलक में गया, वो कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। उधर जब दोपहर के वक्त बादशाह खाना खाने के लिए बैठा, उसने देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही। चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा जरूर इसमें कोई राज पोशीदा है। उसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाक्या बादशाह की गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, कहा आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करता रहूंगा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम से दुआ है, जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई, तमाम मोमिन व मोमिनात की बहक़ा आइमा ताहिरीन मुश्किलें हल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया।